विश्व गुरु बनने की चाहत रखने वाले हमारे देश भारत की ज़्यादातर आबादी भूखी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हमारी स्थिति पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी बदतर है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति इतनी बदतर क्यों है, जानेंगे एनसी डिकोड्स की इस वीडियो में। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार 50 रुपए और महंगा बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। 121 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी हुई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इस रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है, जबकि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें पायदान पर। इस सूची में दक्षिण एशिया का सबसे बेहतर स्थिति में देश जो है वो श्रीलंका है। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे श्रीलंका को इस इंडेक्स में 64वां स्थान दिया गया है। वहीं सिर्फ एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान को छोड़कर सभी की स्थिति हंगर इंडेक्स में भारत से बेहतर है। अफगानिस्तान इस सूची में 109 नंबर पर है, जबकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल 81वें स्थान पर और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। यानी ये सभी देश अपने लोगों की भूख मिटाने में भारत से बेहतर साबित हुए हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर रहा था। भारत को उन 31 देशों की लिस्ट में रखा गया था जहां भुखमरी की समस्या गंभीर मानी गई थी। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से आगे थे। भारत सरकार ने इस इंडेक्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट को लेकर आपत्ति भी जताई थी। जानते हैं कि कैसे मापा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उन पर नजर रखने का एक जरिया है। GHI का स्कोर खास करके 4 संकेतकों के मूल्यों पर मापा जाता है। पहला पैमाना यह है कि आबादी में कितना बड़ा हिस्सा अल्प पोषण का शिकार है, यानी कुल आबादी में कितने लोग जरूरी कैलोरी से कम कैलोरी लेकर जीवन जी रहे हैं। दूसरा पैमाना चाइल्ड वेस्टिंग से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। तीसरा पैमाना चाइल्ड स्टंटिंग से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि एक निर्धारित उम्र में बच्चों का एक तय मानक से छोटा कद होता है। इसके शिकार बच्चों में उनकी कद काठी अपनी उम्र के बच्चों से कम रह जाती है। सबसे अंतिम पैमाना है चाइल्ड मोर्टैलिटी से जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे 5 साल पूरा करने से पहले ही मर जा रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर GHI के स्कोर को मापने के घटक हैं। GHI का कुल स्कोर 100 पॉइंट का होता है, जिसके आधार पर किसी देश की भूख की गंभीरता की स्थिति दिखती है। यानी कि अगर किसी देश का स्कोर 0 है तो उसकी स्थिति अच्छी है, और अगर किसी का स्कोर 100 है तो उसकी स्थिति बेहद ख़राब है। भारत का स्कोर 29.1 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। अब जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या खास है। भारत के बच्चों में कुपोषण की स्थिति गंभीर है। GHI जिन 4 पैमानों पर मापा जाता है उसमें से एक बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति भी है। भारत में इस बार उसे 19.3% पाया गया है, जबकि 2014 में ये 15.1% था। इसका अर्थ है कि भारत इस पैमाने में और पिछड़ा है। ये पैमाना देश की कुल आबादी कितना खाना खाने की कमी का सामना कर रही है उसको दिखाता है। इंडेक्स की माने तो भारत में 2018 से 20 के बीच जहां ये 14.6% था, वहीं 2019 से 21 के बीच ये बढ़कर 16.3% हो गया है। इसके मुताबिक दुनिया में कुल 82.8 करोड़ लोग जो कुपोषण का सामना कर रहे हैं, उसमें से 22.4 करोड़ लोग सिर्फ भारत में ही हैं। हालांकि इस इंडेक्स में भारत के लिए अच्छी खबर भी है। इस इंडेक्स के 2 पैमानों में भारत बेहतर ज़रूर हुआ है। अन्य पैमानों की बात करें तो बच्चों के विकास में रुकावट से संबंधित पैमाने में भारत 2022 में 35.5% है, जबकि 2014 में ये 38.7% था। वही बाल मृत्यु दर 4.6% से कम होकर 3.3% हो गया है। हालांकि GHI के कुल स्कोर में भारत की स्थिति और ख़राब हुई है। 2014 में जहां ये स्कोर 28.2% था, वहीं 2022 में ये 29.1% हो गया है। इस रिपोर्ट में कुल 44 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर है, जिनमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा कुल ऐसे 17 देश हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों में चीन, टर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे और चिली जैसे देश शामिल हैं। अब इस रिपोर्ट में शामिल आंकड़ों और भारत की स्थिति को बेहतर समझने के लिए हमने एक एक्सपर्ट से बात की। देखिए मोहित, जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स
की रिपोर्ट है उसमें वो कहते हैं कि आप एक साल से दूसरे साल में रैंकिंग कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जो डेटा सरकार कह रही है कि ये जो डेटा है ये डेटा बिल्कुल बकवास है, कहाँ से इन्होंने लिया है। आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट में जाएंगे तो उनके वेबसाइट पे क्लियरली उन्होंने दिया है कि भारत का डेटा उन्होंने कहाँ से दिया है, और जो डेटा सबसे खतरनाक है वो सरकारी डेटा है। सरकार का अपना रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है उनका NFHS, उसी से डेटा है, और ये डेटा जो है उसी को बिल्कुल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ने दिया है। जैसे दो चीज जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, एक है जो 5 साल के बच्चे हैं उनमें जिसको कहा जाता है स्टंटिंग, यानी जो उनका एज है उसके तुलना में उनकी हाइट क्या है, वो हाइट जो है जो दिया गया है कि लगभग 36% बच्चों में स्टंटिंग है, यानी जो उनकी हाइट होनी चाहिए उनकी जो लंबाई होनी चाहिए उससे उनका कद कम है 36%, और ये 35.5% दिया है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। आप अगर सरकारी डेटा में जाएंगे तो वो 36.3%, यानी वही लेकर इन्होंने दिया है क्योंकि उन्होंने 2017 से 2021 का औसत निकाला है। अब आप देखिए, कहा जा सकता है कि कोविड के चलते वो ये हुआ है, लेकिन अगर मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखूं तो उसमें एक प्रॉब्लम जरूर है कि ये जो कलेक्ट किया गया है, और ये डेटा मैंने अभी रिपोर्ट देखा उसमें साफ नहीं है ये कलेक्शन हुआ कब था। जुलाई 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक एक राउंड हुआ, 2 जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक एक और राउंड हुआ है। अब किस राउंड में कितना डेटा कलेक्ट किया गया हमारे पास ये साफ कहना मुश्किल है, क्योंकि कोविड के वक्त कितना डेटा सरकार ने कंपनी कलेक्ट किया हमें पता नहीं। तो ये डेटा हो सकता है कि कोविड से पहले का हो, ये हो सकता है। और आप अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 इस रिपोर्ट का नाम है, लेकिन वो तब का है जब ये रिपोर्ट लिखी गई है, लेकिन जो डेटा है और ये जो कहते हैं ये एक साल की बात नहीं कर रहे, ये 2017 से लेकर 2021 की बात कर रहे हैं, और उसमें भारत का रैंक गिरा है। हाँ, सरकार कह सकती है देखिए जो तुलना की जा रही है ये तुलना ऐसे देशों से की जा रही है जहां पे डेटा ठीक से कलेक्ट ही नहीं होता। आप हमें बता रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, क्या इन देशों में ठीक से डेटा कलेक्ट होता है? इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स मानती है कि ये डेटा एक्सेप्टेबल है तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स एक इंटरनेशनल लेवल पर इसको तय कर रही है, और सरकारी हमारे देश के सरकारी आंकड़ों को भी वो मान रही है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो खतरनाक चीज है, मोहित, वो ये है कि भारत में जिसको कहा जाता है वेस्टिंग, यानी जो जितना उन लोगों का वेट, बच्चों का वेट होना चाहिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनका जितना वजन होना चाहिए उससे कम है, ऐसे लगभग 19%, यानी कि 5 में से 1 बच्चा ऐसा है जिसमें वेस्टिंग दिखाई दे रहा है, और ये दुनिया के अगर हम रैंक देखें तो उनमें से सबसे खराब है। इसमें हमारा रैंक शायद वेस्टिंग में सबसे खराब है, और ये सबसे खतरनाक चीज है मोहित, और ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा कारण ये है कि हमारा रैंक गिरा है। हाँ, ये कहना कि रैंक कितना सिग्निफिकेंट है मैं ये नहीं कहूंगा, बात ये कि स्थिति खराब है, बस इतनी हमें सोचना पड़ेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्र की मोदी सरकार की आलोचनाएं भी शुरू हो गई हैं। CPM नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया है कि 2014 के बाद से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति में गिरावट हुई है, मोदी सरकार भारत के लिए विनाशकारी है, 8.5 सालों में भारत को इस अंधेरे के युग में लाने के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने ट्वीट किया है कि भारत को 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां स्थान मिला है, सिर्फ अफगानिस्तान दक्षिण एशियाई देशों में हमसे नीचे है। साल 2015 में भारत की रैंक 93 थी। बच्चों के कुपोषण के पैमाने में भारत की स्थिति बिगड़ते हुए 19.3% हो गई है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। सरकार का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सरकार भी जानती है, ये सीरियस रिएक्शन है, क्योंकि सरकारी आंकड़े हैं। सरकार में फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, जहां पे भी हो, जैसे मैंने गूगल देख करके वर्ल्ड ये हंगर इंडेक्स निकाल कर
और उसमें जो सोर्सेज हैं वो बहुत क्लियरली दिया है, एक क्वेश्चन के तरह दिया गया है, व्हाट इज द रिपोर्ट फॉर इंडिया बेस्ड ऑन व्हाट डेटा सोर्सेज, उस पर सिर्फ क्लिक करना है और उनको देखना है और उनको साफ पता चल जाएगा कि इसमें कोई ऐसे आंकड़े नहीं है जो सरकार के अपने नहीं है। ये जब सरकार कहती है, ये सरकार का स्टेटमेंट लेकर प्राइम टाइम पे बड़े बड़े चैनलों में एंकर बैठकर कहेंगे कि इंटरनेशनल साजिश है भारत के खिलाफ, भारत अच्छा कर रही है, देखिए IMF ने भी कह दिया है भारत एक जगह है जहां पे ग्रोथ हो रहा है, बाकी सब देश बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं कर पा रहे, इसके बीच में अमेरिका सब लग गए हैं भारत को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार बता के भी नहीं बता रही है वो है कि हमारे देश में भुखमरी की स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए सरकार को जो मुफ्त अनाज है जो कोविड के लिए उन्होंने कहा था कि कोविड के पीरियड में हम दे रहे हैं क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, उनका जो लाइफ है वो डिसरप्ट हुआ है इसलिए दे रहे हैं, उसको लगातार एक्सटेंड करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उनको पता है भुखमरी गरीबी बहुत ज्यादा है, हमारे देश में लोग मनरेगा का काम लेना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे सुपरविजन कम है, उतना ज्यादा नहीं है जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपको कहेगा कि नहीं 10 घंटे काम नहीं करोगे, अरे क्यों बैठे हो, ऐसा नहीं करोगे तो फिर एक पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि हम बच्चों में भुखमरी क्यों बढ़ रही है, जो अक्यूट हंगर है वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, वो अगर थोड़ा भरपेट खाना नहीं खाएंगे तो जाकर काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसी टाइप के मेहनत कश काम मिल रहा है जो बिल्कुल बैक ब्रेकिंग लेबर हम कह सकते हैं, कमर तोड़ मजदूरी करनी पड़ रही है लोगों को अपना रोजगार करने के लिए, और वहां पर भी इसलिए हम देख रहे हैं कि लोग वहां से हट रहे हैं, वो पीछे हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि खाने को नहीं है तो हम काम करने नहीं जा सकते, और इससे अच्छा है कि घर पे बैठिए, कुछ अनाज फिर मुफ्त में मिल रहा है, थोड़ा सा पीएम किसान से आ रहा है, कहीं पे कोई पैसा आ रहा है, तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, बिल्कुल सबसे गरीब लेवल पर किसी तरीके से जिंदा है, जिंदा रहने का एग्जिस्टेंस, यही चल रहा है हमारे देश में और ये सरकार बताने को तैयार नहीं है, और सरकार की जो नीतियां हैं सिर्फ इसी पे फोकस करे कि उसी पे रहे, नौकरी देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत, बस सब्सिस्टेंस बना के। मोदी सरकार के कार्यकाल में वैश्विक भुखमरी इंडेक्स में भारत की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जब साल 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो देश भुखमरी में सिर्फ 55वें नंबर पर था, लेकिन अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने के आगे ये हर साल लुढ़क रहा है। वैसे भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हाल ही में IMF की एक ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% रहेगी, पहले अनुमान 7.4% था। IMF का ये भी कहना है कि 2023 में विकास दर और गिर सकती है और इसके 6.1% रहने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर से मोदी सरकार इस रिपोर्ट को खारिज कर दे या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक नए दावे को सामने रखे, क्योंकि पिछले कुछ समय से सरकार ऐसे ही हर आकलन को खारिज करती रही है जो उसकी असफलताओं को उजागर करता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए newsclick.in को, हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। newsclick देखने के लिए शुक्रिया।